हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं, है ना। तो चलिए, आज है व्रत, और व्रत के दिन ही, एक्चुअली महाशिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ बहुत सारा आइटम बनते हैं खाने में। व्रत, और कहने को व्रत है ना ये, लेकिन फिर भी क्योंकि तो बच्चे भी रखते हैं, तो बच्चों को बड़ा क्रेज रहता है, हमारी दोनों बेटियों को, कि महाशिवरात्रि के दिन मम्मी अलग अलग वैरायटी बनाएगी। तो सबसे ज्यादा हमारे बच्चों को साबूदाना बड़ा बेहद बेहद पसंद है, बेहद। और साथ में साबूदाना की खिचड़ी, और आज और एक और चीज बनाने वाली हूँ मैं, लौकी की राजगिरा आटा डाल के पूड़ी। बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, आप उसे दही, हरी चटनी इन सब के साथ खा सकते हैं। तो आज आपको पूरा मेथड बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से ये सारी चीजें बनाती हूँ। बाकी आप लोगों को भी आता होगा डेफिनेटली ये बनाना, लेकिन मेरा क्या तरीका है वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। तो मेरे पूरे वीडियो में बने रहना और देखना। तो ये मैंने खिचड़ी के लिए अभी सारी तैयारी करके रखी हुई है। आलू को बॉईल करके रख दिया था, और ये मूंगफली को भूंज के पीस लिया, उनका छिलका हटा के। ये काली मिर्च का पाउडर है, और साबूदाना मैंने रात में भिगो दिया था। बस आप लोग ध्यान रखिए, साबूदाना गीला नहीं होना चाहिए। इस तरीके से देखो, बिल्कुल छर रहा है ना, ऐसा रहना चाहिए। तो जब आप इसमें इसको गलाओ ना, तो इसका जो एक्स्ट्रा पूरा पानी निकाल दो, और बस इतना ही रखो कि वो बिल्कुल लेवल में रहे, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा ये। चलिए, नेक्स्ट जो चीज़ की तैयारी करिए वो है, मैंने साबूदाना बड़ा, सेम आलू मैंने बॉईल कर ली हैं, थोड़े से साबूदाना जो रात को एक साथ मैंने भिगो दिए थे दोनों के, या मूंगफली को मैंने हल्का दर दरा करा है ना, बारीक नहीं करना, क्योंकि वो फिर मज़ा नहीं आता। जब भी आप इसका वो बनाओगे ना, क्या बोलते हैं, सारी चीज़ों को मिक्स करके, तो वो है ना बिल्कुल गीला हो जाएगा। और ये काली मिर्ची मैंने पीस ली है, बस अब इसमें नमक डालना है मुझे, और हरी मिर्ची और हरा धनिया डालूंगी। चलिए, इसमें मैंने डाल दी हरी मिर्ची, और ये मैं जो कर रही हूँ तैयार, ये है लौकी को मैंने किस लिया है, और लौकी का एक्स्ट्रा पानी भी निकाल दिया, बारीक हरा धनिया अच्छा धो के हरी मिर्ची डाल दी है। ये मैं बना रही हूँ राजगीरा और लौकी की पूड़ी, ठीक है। और इसमें भी मैंने हरा धनिया डाल दिया है साबूदाना बड़े में, ये जो साबूदाने बड़े के लिए तैयार है। और मिर्ची मैंने अलग से काट के रख ली है, ये साबूदाना बड़े में डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची हम, देखिए, ठीक है। और बाकी की हरी मिर्ची मैं खिचड़ी को छौंकने के लिए रख दिया अलग से। तो ये पूरा सामान खिचड़ी के लिए है, ये पूरा सामान साबूदाना बड़ा के लिए है, और ये लौकी की पूड़ी के लिए है। तो ये तीन चीजें आज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। अब इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ आटा, और पानी आप ये ध्यान रखना पूरा दबा दबा के पानी निकाल देना, और एक्स्ट्रा पानी मिलाने की जरूरत ही नहीं है, इसी के मॉइस्चर से आप आटा आसानी से गूंथ सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब इसमें मैंने राजगिरे का आटा, ये बाजार से पैकेट मंगा लिया था, ये राजगिरे का आटा है। अब इसमें मैं सौंधा नमक मिलाऊंगी, सेंधा नमक जो बोलते हैं, ठीक है। और इसको मिला के बराबर में अच्छे से, और स्वाद के अनुसार ही मिलाना है। ये थोड़ा सा जीरा भी मिला लेती हूँ मैं इसमें। अब मैं इसको पूरा मिक्स करूंगी अच्छे से, ये देखो अच्छे से, इसी में ही ये पूरा गुथ जाएगा। अभी इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ, मैंने निकाल लिया है, इससे क्या इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये थोड़ा सा मैं खिचड़ी में भी मिला रही हूँ, लेमन जूस दोनों में मिला लिया मैंने। ये साबूदाना बड़ा में मैं जीरा भी मिला रही हूँ, ऐसे आप लोग इसे भूंज के भी मिला सकते हो, मैंने डायरेक्ट ही मिला लिया। तो अभी एक बार मैं पूरा सामान बता देती हूँ, साबूदाना बड़ा में क्या क्या है। आलू है, हरा धनिया है, जीरा है, मूंगफली को भूंज के पीसा हुआ है, हरी मिर्च है, काली मिर्च है, और साबूदाना है। बस इतनी चीजों को अब मैं मैश करूंगी अच्छे से। चलिए, मैं थोड़ी सी जगह कर लेती हूँ, और इन सबको अच्छे से मैश करती हूँ। आलू आप चाहो तो किस सकते हो, कद्दूकस कर सकते हो, वैसे आलू अच्छे से बॉईल होगा है, तो मैं ऐसे ही हाथ से इनको मसल रही हूँ। ये देखिए, सब अच्छे से मसल जाएंगे, और बराबर इसका एक पेस्ट जैसा हम तैयार कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक ही मिलाएंगे, सेंधा नमक मिलाऊंगी मैं, अभी मैं नमक मिलाना भूल गई थी दोस्तों। चलिए, मैंने अभी घी गरम कर रही हूँ, शुद्ध घी है,
और मैं मीठे में जो बना रही हूँ राजगीरे के आटे का हलवा बना रही हूँ। ये राजगीरा का आटा मैंने जो बचा हुआ था वो इसमें डाल दिया। मैंने सिर्फ 250 ग्राम ही मंगाया था, आप अपने यहाँ की क्वांटिटी के हिसाब से मंगा सकते हो। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको सेकना चालू कर लिया है, अच्छा ब्राउन धीमी आँच में भूंजूंगी मैं। तो ये देखिए अच्छे से भूंज रहा है। और इसमें डालने के लिए मैंने मेवे भी तैयार कर लिए हैं, जिसमें काजू है, बादाम है, नारियल का भूरा है, किशमिश है। और ये अच्छे से भुन जाएगा, फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा अच्छा ब्राउन भूंजना है, कच्चापन ना रहे आटे में, इसलिए धीमी आंच में भूंजोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो वरना वो जल जाएगा। देखिए अच्छे से भूंज चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। हमेशा पहले पानी डालना है, बाद में शक्कर डालेंगे। थोड़ा सा पानी और पिएगा वो, क्योंकि लगता है हमको कि शुरू में कि बहुत गीला हो गया, लेकिन पानी की मात्रा अच्छी होगी तभी आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। पहले इसको मिक्स कर लो अच्छे से। साथ में मैं अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए पूरे। अब डाल रही हूँ मैं शक्कर, अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। ये आपको, और इसको अभी कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ में आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हो यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो टेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल रही हूँ। सेम जैसे आप आटे का हलवा बनाते हो वैसे ही आपको एक भी बनाना है। देखिए कितना शुगर लग रहा था कि बहुत गीला हो गया, लेकिन बिल्कुल नहीं, आप पानी की मात्रा सही रखोगे तो आपका हलवा कभी भी नहीं बिगड़ेगा। ये राजगीरे का आटा का है, आप इसे कभी भी व्रत में यूज कर सकते हो। तो अभी मैं इसको कवर कर दूंगी। देखिए हलवा रेडी हो चुका है, मैं इसको खाली कर लूंगी। चलिए अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी, बघार रही हूँ, मेरा एक चीज तैयार हो गई है। तो सबसे पहले मैं घी डाला है। मैं हमेशा जब भी खिचड़ी बनाती हूँ शुद्ध घी में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे तेल की अच्छी नहीं लगती, मेरे बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती। तो घी जब गर्म हो जाए अच्छे से, सुगंध देने लगे, तो आप इसमें जीरा डाल दीजिए और साथ में हरी मिर्ची, और थोड़ा दूर हो जाइए वरना आपका फेस अच्छे से ही डेकोरेट हो जाएगा। इसको मैंने सिलो भी कर दिया है। अभी साथ में ये जो पूरा मिश्रण है मैं इसमें छोड़ दूंगी। अब मैं इसको प्रॉपर मिक्स करूंगी। अभी साथ में अब डालूंगी इसमें सेंधा नमक। सेंधा नमक अभी मैंने नहीं डाला था दोस्तों, स्वादानुसार, क्योंकि वैसे भी सेंधा नमक धीरे से ही बोलता है, बोलता मीन्स ना स्वाद कम देता है। मैं बोलती हूँ ना घर में कि नमक बोल नहीं रहा, मम्मी कहती नमक बोलता है क्या। इसको मिक्स कर रही हूँ प्रॉपर। चलिए इसमें मैंने डाला है मूंगफली का तेल, कढ़ाई गर्म होने रख रही हूँ। अब मैं बनाऊंगी पूड़ी। तो ये कोई बेल कर नहीं बनेगी, क्योंकि बिलेंगी नहीं दोस्तों, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये पानी का हाथ ऐसे गीले हाथ कर लिए अपने, और जो मिश्रण तैयार किया था वो थोड़ा सा मैं लूंगी और जस्ट ऐसे गोल गोल बनाऊंगी, और इसको हाथ की ही सहायता से मैं इसको बड़ा करूंगी। और ज्यादा पतला नहीं करना, धीमी आंच में आपको सेकना। ऐसे छोटी छोटी आप पूड़ी बना सकती हो, बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल हाथ से मैंने पतला करी हूँ, पानी लगा लगा के, क्योंकि मेरे गीले हाथ है तो अच्छे से फैलेगा। और जब तेज कढ़ाई आपकी अच्छी हो जाए तभी इसमें डालना है थोड़ी, और अभी खुशबू देने लगे इस तरीके से आप बिल्कुल प्रेस करेंगे इसको। तो देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, और इसमें हमने ये पूड़ी को डाल दिया है। इसको अभी हम धीमी आंच मतलब नहीं करनी है, तेज आंच में ही रहने दो, नहीं तो टूट जाएगी वो।
देखिए ये छोटी छोटी सी अच्छी धीमी आंच में सिक जाएंगे और आप इनको दही के साथ खा सकते हो। चलिए दोस्तों अब हम बनाने वाले हैं साबूदाना बड़ा। ये हमारी पूरी पूरियां तैयार हो गई हैं और हम अब बनाने जा रहे हैं बड़े। तो मिष्टी इसको आप पकड़ोगी ऐसे? गाइस मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। देखिए ये मिश्रण पूरा तैयार था, इसमें सब कुछ मिला हुआ है। सेम वैसे ही गीले हाथ करेंगे हम, देखिए पानी से, और इसका लड्डू जैसा बनाएंगे। जितना बड़ा आपको बनाना हो, हम तो छोटे ही छोटे बनाते हैं। अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ये ध्यान रखना ये प्रेस अच्छे से होना चाहिए। साथ में इसको ऐसे चपटा करेंगे, ये देखिए, क्योंकि बड़े अधिकतर सबके बिगड़ जाते हैं, कहते हैं फूट जाते हैं फूट जाते हैं कढ़ाई में। आप कढ़ाई अच्छे से गर्म कर लीजिए और इस तरीके से देखिए ये हो गया पैक अच्छे से। अब ये तेल गर्म है हमारा और इसमें धीरे से इसको हम छोड़ देंगे। मिर्ची डर गई और मिर्ची ने पूरा कैमरा हिला दिया। ये खड़ी छोटे तो मुझे ऐसे करना। मिर्ची हाँ बस धीरे ऊपर मम्मी बार बार बुला रही है मुझे, मेरा शूट कर। हाँ तो बस क्या करूं, कैमरा तो पकड़ना पड़ता है ना दोस्तों, अकेले नहीं होता है। हाँ ठीक है अब जाओ हम बना देंगे, पलट लेंगे। देखो ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है, आप लोग देख रहे हो क्या, कहीं से कुछ भी नहीं टूटा। ये खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है और कितनी अलग अलग है, आप ये देखिए एक एक दाना अलग है। खिचड़ी हमेशा ऐसे ही बननी चाहिए, जो गीली हो जाती है वो देखने में अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर ये बड़े भी हमारे लगभग तैयार हो चुके हैं, ये देखिए कितना खस्ता बड़ा है एकदम से, और बड़े का साइज भी देख लीजिए आप। और ये पूड़ियाँ भी रेडी हैं हमारी, ठीक है। और चारों लगभग चारों चीज़ें अब सब तैयार हो चुका है, तो मैं अभी भगवान जी को पहले भोग लगाऊंगी। तो दोस्तों देखिए ये पूरा भोजन तैयार हो चुका है, दही है, हलवा है, लौकी की पूड़ी है, साबूदाना बड़ा है, खिचड़ी है। तो आज का भोजन आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने जाएंगे। भोग की थाली हमने ये रेडी कर ली है और फिर हम लोग भोजन करेंगे। और ये सब करते करते मुझे दोस्तों 3 बज चुके हैं, सुबह से बिल्कुल भूखी हूँ मैं। अब जाके मैं थोड़ा सा ये फलहार करूँगी जो बना हुआ है। आप लोग सोचोगे इतनी सारी चीज़ें बनाई और व्रत कर रही पर क्या करूँ, ये बनता है माया, शिवरात्रि के दिन ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों।